हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बिना मावा खोया बिना घी से ताज़े नारियल की बर्फ़ी बनाई है। इसे मैंने सिर्फ घर की फ्रेश मलाई से बनाया है। ये बहुत सॉफ्ट बनती है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ताज़े नारियल को इस तरह बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले नारियल को इस तरह बारीक करके लेना है। नारियल पाउडर को इस तरह कटोरी से मेजर करके ली। यहाँ पे मेरा 2 कटोरी नारियल है, तो हम 1 कटोरी शक्कर और 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई यूज़ करेंगे। नारियल को 2-3 मिनट के लिए भून के ले, ताकि नारियल में जो मॉइस्चर है वो चला जाए। अब इसमें 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई फेंट कर डालें। इसे 2-3 मिनट के लिए भून के ले। मैंने घर के दूध की ही फ्रेश मलाई यूज़ की है। अब इसमें 1 कटोरी शक्कर डालें और जब तक ये मिक्सचर ड्राई ना हो तब तक भून के ले। आप इसमें इलायची पाउडर या ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। बर्फ़ी का यह मिक्सचर पैन को आसानी से छोड़ रहा है, मतलब ये रेडी है। अब गैस बंद करें और इसे एक प्लेट में निकाल ले। इस प्लेट को मैंने पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया था। ऊपर से पिस्ता डालकर ऐसे हाथों से दबाए। इसे अब फ्रिज में 1/2 घंटे सेट होने के लिए रख दें। 1/2 घंटे बाद मैंने बर्फ़ी को फ्रिज में से निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी ताज़े नारियल की बर्फ़ी बनी है। ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मार्केट जैसी। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।